क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार की सियासत हो रही है वो हम सब कोई टीवी पर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मैंने सुबह वहाँ के एक लोकल निवासी ने मुझे फ़ोन करके जो वस्तु स्थिति बताई थी उसके विषय में वो ओरिजिनल ऑडियो भी मैंने आपको सुनाया था। आपको दूसरी घटनाओं के विषय में भी मालूम है, हनुमानगढ़ राजस्थान की घटना भी हम सबके सामने है, जहाँ पर किसानों के ऊपर अंधाधुंध लाठीचार्ज राजस्थान सरकार ने किया। पंजाब में इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये सारे घटनाक्रम कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में जो सियासत चल रही थी उसमें कांग्रेस को अपनी जमीन खसकती दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पटियाला के राजा भी थे, मैं आपको बता दूँ यूनियन ऑफ पंजाब एंड पटियाला बनी थी, पटियाला के राजा उस समय मतलब अमरिंदर सिंह के परिवार से, उस समय पटियाला के राजा को उस यूनियन ऑफ पंजाब एंड पटियाला का राज प्रमुख भी बनाया गया था, ये उस परिवार से आते हैं। तो राजा पटियाला के नाम से भी अमरिंदर सिंह जाने जाते हैं। उनकी पंजाब के अंदर अपनी एक एक्सक्लूसिव छवि थी, जिसको मुझे लगता है कि जो दूसरी पार्टी है, जो अपोजिशन है यानी कि बीजेपी है, वो भी कभी इस लेवल पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए। और अमरिंदर सिंह की एक छवि और बनी कि वो राष्ट्र के लिए पार्टी से भी समझौता नहीं करते, यानी कि राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं करते, पार्टी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, पार्टी का किसी प्रकार का दबाव नहीं मानते। अमरिंदर सिंह को सिस्टमैटिक हटाने का षड्यंत्र रचाया गया और अमरिंदर सिंह को हटाया भी गया। अमरिंदर सिंह के हटने से पंजाब में बहुत सारी मुझे लगता है कि उनके पैर खसकते दिखाई दे रहे थे, और ये भी सूचनाएं जब आनी शुरू हुई कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि पंजाब में कांग्रेस को अपने पैर साफ तौर पर उखड़ते दिखाई पड़े। खैर, वो तो हुई सियासत। लखीमपुर की घटना हुई, उसके साथ ही दो घटनाएं हुई उस दिन, और वो दोनों घटनाएं मतलब लखीमपुर के अलावा दो घटनाएं हुई, और दोनों घटनाएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुई। पहली घटना हुई कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक सरकारी बस से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 युवक मारे गए, उनका भी धरना प्रदर्शन था, और वो भी इंसिडेंट जो है वो संडे का है। दूसरा इंसिडेंट छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल उस पूरे इंसिडेंट को दबाने के लिए लखनऊ आए, वहां छत्तीसगढ़ में कवर्धा में एक बड़ा विवाद हुआ, जिस विवाद से कांग्रेस के पैर खिसकना स्वाभाविक था। ये जो आपको लखीमपुर में दिखाई दे रहा है, जिन लोगों की लखीमपुर में मृत्यु हुई उनका डेटा अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को किसान बताया जा रहा है, जिन लोगों के लिए ये जा रहे हैं, उन लोगों में कितने लोग वहाँ के रहने वाले हैं ये आपको देखना पड़ेगा। जो बीजेपी विधायक के समर्थकों की हत्याएं हुई, ज़बरदस्ती हत्याएं हुई, उन हत्याओं में मरे लोग वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, लखीमपुर के रहने वाले हैं। लेकिन बाकी जिन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की घटना की खबर आ रही है कि जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने से उनकी मृत्यु हुई, वो कोई बहराइच का है, उनमें दो लोग बहराइच के हैं और दूसरे प्रदेशों के, दूसरी जगहों के हैं, वो लखीमपुर के नहीं हैं। क्योंकि मैंने दोपहर की भी जो ऑडियो सुनवाई थी उसमें उन्होंने कहा था वहाँ के ओरिजिनल निवासी ने कि देखिए वहाँ पर सरदार नहीं पाए जाते, मोना पंजाबी भी नहीं पाए जाते हैं, जिस जगह की घटना है वहाँ के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में सरदार नगण्य हैं, फिर वहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों, सरदारों का धरना प्रदर्शन क्यों, ये सब बाहर के सरदार वहाँ पर इकट्ठे किए गए खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन करने वाले, उनमें से कुछ लोगों ने खालिस्तानी कपड़े भी पहन रखे थे। खैर, वो तो सब दिखता है। लेकिन जो राजस्थान की घटना हुई, छत्तीसगढ़ की जो घटना हुई, उस घटना को आपको जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ की घटना
खतरनाक घटना है। हम सब जान रहे हैं कि पितर पक्ष इस समय चल रहा है और लोग नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। कल से मतलब मेरा है कि वीरवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रों की बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं और नवरात्रि भारत का बड़ा त्यौहार माना जाता है और ख़ास तौर से बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उधर बंगाल से लगा हुआ, जो बंगाल से चलते चले आएंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा वो मिलेगा। विंध्यवाहिनी माता या और जो देवी देवता वहाँ पर रहते हैं उनकी बड़ी अच्छी तैयारी वहाँ पर होती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक चौक पर एक व्यक्ति अपनी नवरात्रि की तैयारी करते समय उसने एक ध्वज लगा दिया। ध्वज भगवा कलर का था और उस पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे। इतना दुर्गेश नाम का एक व्यक्ति था, उसने इतना कर लिया। अब आप सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो त्यौहारों पे बच्चे, परिवार के लोग खुशियां मनाने के उद्देश्य से भगवान को आवाहन करते हैं, माता का आवाहन करते हैं, उनको अपने घर पर बुलाते हैं। इसके लिए रास्ते में इस प्रकार के झंडे, इस प्रकार के ध्वज लगाए जाते हैं। दुर्गेश नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर ध्वज लगाया। इस बात को वहाँ लोकल के लोग, अगल बगल की कॉलोनियों में बसे हुए लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने आकर, कुछ दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ आकर उस ध्वज को उतारा, उसको फाड़ा और फाड़ने के बाद उस युवक की सही से पिटाई, इतनी पिटाई की कि वो लहूलुहान हो गया, इतना मारा उसको। अब जब उसकी पिटाई हो गई तो उसके बाद, या उसको मरा मानकर छोड़ गए, तो उसके परिवार वालों को जब सूचना गई तो परिवार वाले वहां पर आकर उसको ले गए। इस बात को, चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद का कहते हैं कार्यकर्ता भी है, और चूंकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस तरह के त्यौहार जब नवरात्रि वगैरह आते हैं तो बड़े धूमधाम से मनाने के लिए वो चारों ओर व्यवस्थाएँ भी करते हैं। उस बच्चे को जब मारा गया और मृतक मानकर छोड़ दिया गया, उसको लहूलुहान कर दिया गया, तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया कि वो बंद, छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। घटना कब की है? लखीमपुर खीरी की घटना भी रविवार की है, कवर्धा की घटना भी रविवार की है और हनुमानगढ़ की घटना भी रविवार की है। और उसके बाद हनुमानगढ़ में रविवार की उस घटना के पुटस्थ चल ही रहे होंगे, जो चार लोगों की मृत्यु हुई सरकारी बस के द्वारा, और उसके सरकारी बस कहाँ की, राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बस से चार लोगों की मृत्यु हुई। और इसके बाद सोमवार के दिन वहां पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी कर दिया। उन दोनों को इकट्ठा मर्ज करके फार्मर प्रोटेस्ट के रूप में उसको दिखाया गया। ये नहीं बताया कि चार लोगों की हत्या किसी बस ने ओवर जो स्पीड में चलाकर, राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बस ने उनकी, चार लोगों की हत्या कर दी। सेम वैसा ही जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। अब वो घटना सुबह की है, ये घटना जो उत्तर प्रदेश की घटना है ये लगभग शाम की घटना है या दोपहर के बाद की घटना है, और छत्तीसगढ़ की जो घटना है वो लगभग सुबह की घटना है। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में जब ये मुसलमानों ने बच्चे को मारपीट कर दी तो तनाव होना स्वाभाविक था, लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, और उसके बाद लोगों ने आकर जो मुसलमान हैं उनको आकर हड़काया धमकाया, कुछ कहा होगा। उसके बाद एक जुलूस के रूप में कुछ लोग निकले और उन्होंने फ्लैट तोड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने बसें तोड़नी शुरू कर दी, उन्होंने कारें तोड़नी शुरू कर दी, घरों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। अब वो कौन से समुदाय के लोग थे ये कोई भी पुलिस वहाँ पर या वहाँ का प्रशासन बताना नहीं चाहता। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि जब ट्रिपल हुआ, यानी कि एक लड़के को, दुर्गेश नाम के लड़के को जो विश्व हिंदू परिषद का था उसको मारा गया एक ध्वज लगाने पर, उसका ध्वज फाड़ दिया गया, उसके बाद उसके परिवार वालों ने जिन लोगों ने मारा था उनको टाइट किया या मारपीट की, उसके बाद तीसरे स्टेज पर जब रिटेलिएशन हुआ होगा तो कौन आया होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बात वहाँ पर नहीं रुकी, बात जब तोड़फोड़ हो गई तो तोड़फोड़ के बाद एक शांति समिति बुलाई। आप सोचिए, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने, एक वहाँ की जो प्रशासन है उसने शांति समिति बनाकर ये कहा कि यहाँ पर ध्वज मत लगाइए, त्यौहार हमारा है, त्यौहार आ गया है, त्यौहार पर इस तरह की खुशियाँ मनाते हैं, चौराहे पर झंडा लगाया गया है, चौराहों पर झंडे लगाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन शांति समिति ने ये प्रेशर बनाया विश्व हिंदू परिषद पर या हिंदुओं पर कि आप इस ध्वज को यहाँ नहीं लगाएंगे।
शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने उस पर भी प्रदर्शन किया और बवाल इतना बढ़ा जब हिंदुओं ने कोलाइड इकट्ठे होकर ये कोशिश की कि भाई हमारे त्यौहार क्यों नहीं मनाने दिए जाएंगे, तो लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में सैकड़ों लोगों के सिर फूटे, सैकड़ों लोगों की वहाँ पर लाठीचार्ज में हाथ पैर तोड़े गए पुलिस के द्वारा जो भी किया गया उस स्थिति में। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि उसने 70 लोगों की पहचान फुटेज को देखकर की है, उनमें से 59 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन वहां की सरकार ने वहां लाठीचार्ज कर दिया, हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद बवाल और बढ़ गया। मंगलवार को ये आह्वान किया गया कि छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। इस बंदी के समय पर लोगों ने वहाँ जो प्रदर्शन किए उन प्रदर्शनों में और ज़्यादा बवाल हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कवर्धा के अंदर या आगे रायपुर के उधर इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरी बंद कर दी। आप सोचिए रविवार की घटना है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरी बंद कर दी। इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद करने के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। अभी लखीमपुर में याद रखिएगा धारा 144 लागू हुई है, कर्फ्यू नहीं लगा है क्योंकि लखीमपुर के ओरिजिनल लोकल निवासियों के साथ कोई विवाद नहीं है। ये बहराइच या दूसरे जगहों से, दूसरी बेल्टों से जो खालिस्तानी मूवमेंट समर्थक लोग वहां पर आए थे उनके द्वारा ये सब किया जा रहा था, इसलिए सरकार बनाम वो लोग हैं जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। लोकल जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही लोकल जनता का कोई इंटरेस्ट है और ना ही वहां पर सिख या सरदार कुछ रहते हैं, इसलिए वहाँ कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी जब भी दंगे होते हैं, जब भी ऐसा कोई बवाल बड़ा होता है तो फिर लोकल के लोग निकल कर आते हैं जिनके साथ झड़प होती है, लोकल लोगों का कोई लेना देना लखीमपुर में नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कवर्धा की घटना है उसमें लोकल लोग चूंकि इन्वॉल्व थे, धार्मिक भावनाएं भड़की गई, त्यौहार मनाने से रोका गया, वहाँ ध्वज लगाने से रोका गया, मारपीट की गई, लहूलुहान किया गया, ये सब कुछ जो कवर्धा में हुआ उस पर कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, इंटरनेट की सेवाएं तो बंद थी। अब आप सोचकर देखिए कि रविवार की घटना हुई, सोमवार को ये सब कुछ चल रहा था, मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां से चले और लखनऊ पहुंच गए। मुझे लगता है कि ये जो बड़ा करने का प्रयास हो रहा, चूंकि लखीमपुर को सेटलमेंट कर चुके थे और राकेश टिकैत वहां पर आ गए थे, राज्य सरकार ने आनंद फानंद में एक SIT का गठन किया था, DGP लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर भेजे गए थे या वहाँ एक सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति भेजा गया, वहाँ के कुछ IAS ऑफिसर, कुछ IPS ऑफिसर भेजे गए और उनसे कहा गया कि बिल्कुल वहाँ नॉर्मल करके तुरंत तुरंत कॉम्पनसेशन किया, सरकार परिवार के साथ सेटलमेंट हो गया था, परिवार के लोग को ये एहसास हो गया था कि नहीं हम सरकार हमारे साथ है। इसके बाद उसको बढ़ाने का जबरदस्ती का प्रयास चाहे प्रियंका विंची कर रही हों या फिर भूपेश बघेल कर रहे हों या फिर अभी पंजाब से चलकर सिद्धू वहां पहुंच रहे हों, कह रहे 200 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं वहां पर, या फिर सचिन पायलट वहां से चल दी हों। अब सचिन पायलट का प्रदेश खुद में परेशान है, पंजाब अपनी सियासत संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि पंजाब को अपनी ज़मीन खसकती दिखाई पड़ रही है, सिखों के नाम से चाहे खालिस्तानी क्यों ना कर रहे हो, सिखों के नाम से इन्फ्लुएंस में लेना और पंजाब की पॉलिटिक्स को साधना, ये उद्देश्य पंजाब के लोगों का है। और भूपेश बघेल खास तौर से जब उनके यहाँ पूरा एक शहर जल रहा है, वहाँ आगजनी हो रही है, कर्फ्यू लगाना पड़ा, हिंदू मुस्लिम हो गया है, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा है, लहूलुहान कर दिया है, त्यौहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति को छुपाने के लिए, ऐसी परिस्थिति को कहीं पीछे फेंकने के लिए मुझे लगता है ये षड्यंत्र किया गया है, जिसमें राहुल विंची प्रियंका विंची और भूपेंद्र बघेल और इनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, ये सब के सब लखीमपुर चल दिए। मुझे लगता है कि ये घटना नहीं है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है और ये भी संभव है कि रविवार को ये जो घटना लखीमपुर की हुई उसको प्लॉट किया गया हो, क्योंकि रविवार को ही वहाँ छत्तीसगढ़ की घटना हो चुकी थी, तो दोनों घटनाओं को ऐसा
ऐसा किया गया हो कि इसको यहाँ पर प्लांट कर दिया जाए और लोगों को यहाँ पर आकर्षित कर दिया जाए और उधर की सब भूल जाएं, या वहाँ ये भी संभव है कि हिंदुओं को सीधा अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ त्यौहार नहीं मनाने दिया जाएगा, अगर वो सीधा प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर सीधे सीधे सरकार वहाँ पर एक्शन लेगी, या वो जो दूसरा संत प्रति समुदाय जिसको कहते हैं वो वहाँ पर हमले करेगा, तो फिर लोगों का ध्यान वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा और ध्यान लोगों का लखीमपुर में शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता था कि कांग्रेस का जब उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष बचा नहीं है तो आखिर कांग्रेस के लोग दो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रियंका विंची और राहुल विंची ये सब लखीमपुर क्यों जा रहे हैं, जब अखिलेश यादव का प्रदेश है, अखिलेश यादव मेन अपोजिशन पार्टी यहाँ पर है, अखिलेश यादव वहाँ पर गए और जाने के बाद उनको समझ में आ गया लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ सकता है, वो वापस आ गए, और जब किसानों के मामले में राकेश टिकैत वहाँ जाकर समझौता करवा आए और सब कुछ शांत हो चुका था, फिर ये लोग क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं। जो करना चाहते थे उसमें वो सफल भी हो गए और सफल इतने हो गए कि पूरी मीडिया इस समय लखीमपुर में शिफ्ट हो गई है, ना ही किसी को राजस्थान दिखाई दे रहा है, ना ही किसी को पंजाब, पंजाब में बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी अमरिंदर सिंह वर्सेज चन्नी, ये भी सब शांत हो गई, राजस्थान में किसान वर्सेज राजस्थान सरकार वो भी शांत हो गया, और छत्तीसगढ़ में हिंदू बनाम हिंदुओं का हिंदू बनाम मुस्लिम और वहाँ की सरकार जो करने का प्रयास किया वहाँ के शांतिप्रिय समुदाय ने वो भी शांत हो गया। इसलिए ये लोग अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं तो छत्तीसगढ़ की सरकार गिरती दिखाई दे रही थी, छत्तीसगढ़ संकट में ऑलरेडी है, किसी भी समय सरकार गिर सकती है, ऐसा वहाँ से फोरकास्ट है, राजस्थान में वो पंजाब में भी किसी भी समय सरकार गिर सकती थी, वहाँ पर भी बड़ा भारी संकट है। इसलिए मुझे लगता है इन सब को समाप्त करने के लिए, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। आपने मुझे सुना, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।